हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए मास्टर व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मेरे साथ आया दानिश भाई और आज हम करने वाले हैं गेस द मूवी चैलेंज। मतलब हम कोई भी मूवी की डिस्क्रिप्शन बोलेंगे थोड़ी सी और हमें फिर गेस करके उसका नेम बताना है। तो यही होगा ना दानिश भाई? हाँ यही होगा। वेल, मैं इतनी मूवीज़ या टीवी सीरीज़ देखता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। इसने बोला कि भाई चैलेंज लगाओ, बदले में ये मुझे पिज़्ज़ा खिलाएगा, तो अगर मैं जीत गया तो उस लालच में मैंने कहा चल ठीक है कर लेते हैं। हाँ पिज़्ज़ा खिलाएं, अगर मैं जीत गया फिर आप खिलाओगे? फिर मैं खिलाऊंगा 1 रुपए की एक प्लेस ट्रॉफी। वो भी बहुत है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप भी देखते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले मैं बोलूँगा डिस्क्रिप्शन मूवी की और दानिश भाई बताएंगे। ठीक है दानिश भाई? ओके आई एम रेडी। तो मैं बताता हूँ कि मूवी है कि एक रॉ एजेंट होता है, वो एक मिशन में गया होता है, ठीक है। और उसको वहाँ पर एक पाकिस्तानी एजेंट मिलती है कोई भी, तो उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, फिर वो भाग जाते हैं। तो कुछ और डिटेल? कुछ और डिटेल नहीं, अगर आगे डिटेल दूंगा तो वो फिर सामने आ जाएगा, मूवी का नेम ही पता चल जाएगा। यार एक लेटेस्ट भी फिल्म आई थी ना वो, अच्छा मतलब वो दोनों को प्यार हो जाता है फिर वो भाग जाते हैं। हाँ फिर भाग जाते हैं खुद। हाँ खुद। आई थिंक टाइगर, एक था टाइगर। दोबारा सोच लो एक बार। हाँ यही, मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि मैंने देखी हुई थी, उसमें यही होता है क्योंकि आई गेस। हाँ एक था टाइगर। तो गाइस इसका जवाब बिल्कुल सही दिया है दानिश भाई ने। तो अब दानिश भाई मुझे पूछेंगे, अगर मैं देखता हूँ दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। तो पूछो दानिश भाई। ओके ठीक है, मैं एक टीवी सीरीज, क्लासिक टीवी सीरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें एक छोटा बच्चा होता है जिसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और मतलब वो हर जगह अपना ज्ञान जानना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं होती। छोटा वो छोटा बच्चा है पर उसका आईक्यू लेवल और इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़्यादातर लोग उसकी मतलब इस चीज़ से चिढ़ते हैं और वो मतलब अपनी बातें बोलना स्टार्ट कर देता है। आगे बस इतना ही है, इतना। तो मैं आप मैं बता दूं कि ये वेब सीरीज है। हाँ मतलब टीवी शोज है, वेब सीरीज। हाँ तो यही कह सकता है, टीवी शो है, ये टीवी पर आता है। इंग्लिश है, ये भी बता देता हूँ। हॉलीवुड है। तो मैं बता दूं ये है शायद, आई थिंक बॉस बेबी। रुक कहाँ से आते हैं? नहीं नहीं गलत, हार मान ले, नहीं आता तो ठीक है। आई डोंट नो, इसका आंसर है यंग शेल्डन। यंग शेल्डन नाम ही बड़ा सुना है। वो मेरा कसूर थोड़ी है। मैं दूसरी मूवी की डिस्क्रिप्शन में बता दूँ थोड़ी सी, कि एक बंदा होता है वो बड़ा गरीब होता है। अच्छा मतलब उसके जो बाकी भाई होते हैं ना वो अमीर होते हैं। अच्छा तो उसने फिर एक लेता है बस। ठीक है, तो वो उस बस से जब वो बस लेता है फिर उस पे वो लेडी कंट्रैक्टर रखते हैं, ठीक है। अच्छा तो फिर वो बस से बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है। फिर मतलब बस इतना ही। ये क्या डिस्क्रिप्शन हुई? यही है सूर्यवंशम। बिल्कुल सही जवाब दिया है सूर्यवंशम। मुझे पता था तू सॉरी मैक्स में सिर्फ एक ही चीज देखता है। कसम से मैंने वो फिल्म नहीं देखी हुई, लेकिन मुझे पता था कि ये इसी के बारे में पूछ सकता है, सोच पता है इसकी। अच्छा तुझे मैं इजी वाली अब देता हूँ क्योंकि ये अच्छा, एलियंस का हमला हो जाता है। हाँ ठीक है ना, एक एलियन का हमला हो जाता है और जितने भी अलग अलग प्रकार के सुपर हीरोज होते हैं वो साथ मिल के आते हैं और पूरी दुनिया को बचाते हैं। आगे ओ यार इसमें भी और चाहिए। मुझे पता है ये इस मूवी का नाम है एवेंजर्स। हाँ चलो कुछ तो आया तुझे। तो अब तीसरी में पूछता हूँ। हाँ वैसे मैं वन, तू एक का नहीं दे पाया और मैं तीन का दे चुका हूँ। थ्री वन। हाँ शायद मैं दो का दे चुका हूँ ना, टू वन हुए ना। हाँ चलो 2-1 हुए। ओके 5 तक है, आई डोंट हैव ऑल द डे। सो तो उसके बाद मैं दोबारा पूछता हूँ इनसे। पूछ भाई पूछ। तो पूछता हूँ, सोच ले तो थोड़ा सा। अबे इतना सोचेगा क्या? हाँ सोचना पड़ता है ना क्योंकि मुझे मूवीज इतनी ना आती, मुझे तो आते हैं ड्रामे। अच्छा ड्रामे पूछ ले तू। अच्छा ड्रामे पूछ लेता हूँ भाई। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। चलो ड्रामे में भी है पूछ लो। ड्रामे में भी है ठीक है, ड्रामे में पूछ लेता हूँ। एक ऐसा ड्रामा बताओ जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुमकुम भाग्य। वो 2000 किन्ने में आया था?
आई गेस 14 में आया होगा शायद, अभी भी चल रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, पता नहीं कितने एपिसोड हो गए उसके। तो क्या मेरा पॉइंट ये काउंट होगा? हां पॉइंट नहीं है, मैंने ऐसे ऑडियंस के लिए पूछा। हां ऑडियंस है भी नहीं खास तेरी, लेकिन चलो अब मैं पूछता हूं दूसरा ड्रामा। मतलब चार दोस्त होते हैं, अच्छा हां, फिर वो कॉलेज में होते हैं, ए दे पापा यार कंप्लीट तो कर दे यार, टाइम की वेस्ट कर रहा, मुझे पता है तेरी सोच बिल्कुल सही जवाब, आप पूछो यार, तुम सामने सामने मैं जीत रहा हूँ। चलो फिर भी यार क्या, चलो एक चीज, एक लड़का होता है उसको, मतलब उसके पास एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर आ जाती है कि वो कुछ भी दूसरे के माइंड में जाके मतलब सोच सकते। नहीं यार ये मूवी मुझे नहीं लगता तू गेस कर पाएगा, तूने दूर दूर तक नहीं देखी होगी, कह रहे दो। अच्छा ठीक है, एक आज उठ लवर हो? हाँ हाँ देखता हूँ। चल मैं तुझे एक और सीरीज के बारे में पूछ देता हूँ जो कि बहुत आसान है। वो नेटफ्लिक्स में आती है, चलिए अभी बता देता हूँ मैं, उसमें एक साइकोसी लड़की होती है, साइकोसी हाँ, और वो एक ऐसे मतलब जादू करने वाले स्कूल टाइप में जाती है। वो इतनी पागल होती है कि वो अपने घर के स्विमिंग पूल में ना वो छोड़ देती, मतलब घर के नहीं स्कूल के स्विमिंग पूल में वो पिराना मछली छोड़ देती है। उसमें गाना भी आता है आई वॉन्ट टू डांस 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 कुछ ऐसा करके विद माई हैंड्स। इसका नाम है साइको सी लड़की। ये तो चैलेंज करी क्यों ऐसी दे, हार मान ले, टाइम तो हार होगी मान लो। आप हॉलीवुड में, मैं हॉलीवुड देखता नहीं। आज मैं क्या पूछूं, अरे वफा की स्टोरी बताऊं, अबे नहीं आती है मुझे वो यार। आप बॉलीवुड की पूछो ना यार। अच्छा मैं बॉलीवुड की पूछता हूं, चल ठीक है आसान वाली। ओके ठीक है, एक जो बच्ची होती है वो इंडिया आ जाती है गलती से, फिर वहां से एक बंदा आता है वो उसको छोड़ने पाकिस्तान जाता है, वहां पर उसको एक बंदा भी मिलता है जो उसकी हेल्प करता है। आई भजरंगी भाईजान। हां बिल्कुल सही, अब यही चाहता था तू। ठीक है भाई भजरंगी भाईजान, चल तू पूछ अब। तो अब मैं पूछता हूं, मैं चार ठीक कर चुका हूं ना, मेरा सिर्फ एक बताना हो शायद। मैं पूछता हूं, मैं पूछ ले, मैं आपको एक क्या पूछूं, मुझे कुछ आता ही ना। अच्छा पांचवा भी आप पूछ दो तो हार मान लेना। नहीं एक और पूछने क्या था, मैं बता दूं तब तक मैं भी सोच लूंगा कुछ ना। अच्छा अच्छा मैं तुझे ये पूछता हूँ, वो कौन सी अच्छा, एक बंदा होता है वो किसी लैब में जाता है, वहां पर उसको एक मकड़ी काट देती है, उसके बाद उसके पास एक सुपर पावर आ जाती है मकड़ी के काटने से। हाँ वो अपने हाथों से जाला भी निकालता है, बता कौन सी फिल्म है? स्पाइडरमैन जाला। तो और क्या बोलूं फिर, ठीक है भाई या स्पाइडर को एक खतरनाक सी मूवी पूछो जो मैं बता अब तो तुझे मुझे में आप कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे पता है। अच्छा हाँ कोई भी पूछो, कोई भी पूछूं, कोई भी। ओके एक ऐसी सिटी होती है जहां पर ज़ोंबियों का अटैक हो जाता है, हाँ? और सिटी का नाम भी रैकून सिटी होती है, फिर उसमें एक लड़की होती है और उसके कुछ साथी होते हैं, वो मतलब कि सरवाइव करते हैं। अब बता तो इतनी सी डिस्क्रिप्शन में क्या ही बताऊं, इससे ज्यादा मुझे खुद ही नहीं आती तो सिर्फ नेम पता है आपको? हाँ मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का नेम मुझे नहीं पता। तो चल फिर नहीं पता तो फिर तू हार मानना यार, क्यों टाइम वेस्ट करता है? तो गाइस बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है मैं इसमें हार मानता हूँ, पिज्जा मैं खिलाऊंगा शाम को, वो आपको नहीं दिखाऊंगा। नहीं दिखाना चाहिए वो भी यार। नहीं वो पर्सनल है ना यार, तो मतलब नहीं खिलाएगा खिलाऊंगा खिलाऊंगा आपको भी दिखा दूंगा, ठीक है? तो फिर आगे जो भी होगा दिखाएंगे, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, चाहे मैं हार गया तब भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो